नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात के बाद देश की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। जी हां, कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मुलाकात से समझी जा सकती है। कैप्टन खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया, इसलिए बीजेपी के साथ मधुर रिश्ते बनना स्वाभाविक है। 29 सितंबर को दोनों नेताओं के बीच जो खिचड़ी पकी है, उसके मायने साफ हैं कि पंजाब में कांग्रेस के लिए अच्छे दिन शेष नहीं रह गए। आइए जानते हैं कि पंजाब ही नहीं, देश के राजनीति में कैप्टन और शाह की मुलाकात का क्या असर पड़ने वाला है। बीजेपी कैप्टन की सवारी कर किसानों के बीच जाने का प्रयास करने वाली है, और कैप्टन इस प्रयास में अहम कड़ी बन सकते हैं। कैप्टन ने आज कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया और कहा है कि वो बीजेपी में शामिल होने नहीं जा रहे, लेकिन कैप्टन अपनी खुद की गाड़ी में सवार होकर कांग्रेस के टायर को पंक्चर कर सकते हैं और केंद्र सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता कर दोनों को साथ लाने का सहरा बांध सकते हैं। वैसे भी अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन ने साफ कर दिया था कि देश के गृह मंत्री से उनकी मुलाकात किसानों के मुद्दे को लेकर हुई है। कैप्टन ने ट्वीट कर बताया कि कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान मोर्चा, किसान आंदोलन पर चर्चा गृह मंत्री के साथ की गई और गृह मंत्री से कानूनों को रद्द करने, MSP की गारंटी देने के साथ इस संकट का समाधान निकालने का अनुरोध किया है। #NoFarmersNoFood के साथ उन्होंने तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पंजाब की राजनीति में किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा है, और कैप्टन का अगला कदम किसानों के समर्थन पर केंद्रित होगा, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। जाहिर है, इससे पंजाब की राजनीति में कैप्टन का महत्व तो बढ़ेगा और बीजेपी का इसमें लाभ ही लाभ है। वैसे भी CM पद से हटने के बाद कैप्टन ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र को लेकर कहा था कि वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे और पंजाब की भलाई के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। कैप्टन और शाह के बीच मुलाकात की ये तस्वीर विन-विन सिचुएशन की कहानी बखूबी बयां करती है। मतलब कैप्टन और बीजेपी के बीच हुई बातचीत में फायदा दोनों सियासी पार्टियों को होने वाला है। जी हाँ, कैप्टन सियासी पार्टी बना सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कैप्टन द्वारा ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटा देने के बाद सियासी हलकों में चर्चा है कि कैप्टन कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बना सकते हैं और बीजेपी से सही समय पर समर्थन भी औपचारिक तौर पर ले सकते हैं। फिलहाल इस मुलाकात के मायने इसलिए भी खास हैं क्योंकि पंजाब कांग्रेस का संकट थमता हुआ नहीं दिख रहा है। कैप्टन ने सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस नेतृत्व पर अपमानित करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन बता चुके हैं। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी के पास वहां खोने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी का पुराना सहयोगी अकाली दल अलग हो चुका है और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी के बीच मुकाबला होता दिखाई पड़ रहा है। अमरिंदर बीजेपी के साथ आए या फिर कांग्रेस से अलग पार्टी बनाए, दोनों ही परिस्थितियों में बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले है। किसान आंदोलन बीजेपी के लिए सिरदर्द बना हुआ है और विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन का समाधान बीजेपी के लिए कारगर साबित होगा। बीजेपी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग खारिज कर चुकी है, लेकिन MSP को जारी रखने की बात कहती रही है। किसान लिखित में MSP सुरक्षा की गारंटी की मांग चाहते हैं, और ऐसा होने पर पंजाब ही नहीं, UP समेत चुनाव वाले सभी राज्यों में गेम बीजेपी के पक्ष में पलट सकता है। इसलिए गेम पलटने की मुहिम में अहम कड़ी के रूप में अमरिंदर सिंह सामने आ सकते हैं। सिद्धू के खेमे में अशांति और कांग्रेस द्वारा उन्हें मनाने की कवायद जारी है, और उम्मीद है अब तक वो सुलह समझौता हो सकता है क्योंकि CM और उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन कैप्टन और शाह की मुलाकात ने कांग्रेस को पसोपेश में डाल दिया। कांग्रेस में पार्टी हाईकमान के खिलाफ G23 के नेताओं की आवाज़ भी मुखर हो गई। जाहिर है, कई नेताओं के बाद दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का पार्टी से जाना कांग्रेस के मनोबल और जनाधार को बुरी तरह ध्वस्त कर सकता है, और ये बीजेपी के लिए सत्ता की राहें आसान कर सकता है। तो
तो जाहिर तौर पर इसलिए कैप्टन और अमित शाह के बीच में खिचड़ी पक रही है। जी हाँ, और लोगों को इंतजार है कि आने वाला समय पंजाब की ही राजनीति नहीं बल्कि राजनीति को, देश की राजनीति को किस तरह बदलने वाला। तो आज राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।